मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है अभिषेक कुमार को हराकर। और जैसे ही सलमान खान ने मुनव्वर को बिग बॉस 17 का विनर अनाउंस किया, सेट के बाहर भाई जश्न शुरू हो गया। और सिर्फ बिग बॉस के सेट के बाहर ही नहीं बल्कि डोंगरी में तो सभी फैंस ने उनका बर्थडे और उनकी ये जीत दोनों सेलिब्रेट की एक साथ। एक साइड जहाँ मुनव्वर के फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ ईशा और समर्थ, जो कि अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उन्होंने न जाने कितनी बार बिग बॉस के घर के अंदर अभिषेक को पोक किया और एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे और अब अभिषेक के लिए काफी ज्यादा निराश फील कर रहे हैं। जी हाँ, मीडिया से बातचीत जब की ईशा और समर्थ ने, तो उन्होंने बताया कि ट्रॉफी का हकदार जो है वो अभिषेक को ही वो मानते हैं। जहाँ ईशा ने कहा, मजा आया यार फिनाले में, मुझे बहुत, दोबारा से गई मैं सेट पर, बहुत बढ़िया फीलिंग थी और जीत गया मुनव्वर फैंस की बदौलत। बढ़िया है, अच्छा है, बधाई। अगर मैं मुनव्वर और अभिषेक में कंपेयर करूँ तो मुझे अभिषेक की जर्नी वाइज ज्यादा डिजर्विंग लगता है वो, लेकिन ठीक है, मुनव्वर भी अच्छा है, एक बार फिर से उसको बधाई। वहीं समर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुनव्वर जीत गया लेकिन अभिषेक ज्यादा डिजर्व करता था उससे। वेल, अभिषेक की बात तो है, जिस तरह से जो लोग उसको हेट करते थे और अब वो भी उसको प्यार करने लगे हैं, तो सच में विलन से हीरो तक की जर्नी तो अभिषेक ने तय की है। वेल, आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा डिजर्विंग था, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।